सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। हम बात करते हैं जोड़ के बारे में, यानी एडिशन। आप छोटे बच्चों को किस ढंग से सिखा सकते हैं, तो वो तरीका हम सीखने वाले हैं। देखिए, मैंने यहाँ एग्जांपल लिया, एक तो 5 + 4, यानी 5 और 4 को जोड़ करना है। हम बड़े होने के बाद इजीली इसको जोड़ देते हैं, 5 और 4 हो गए 9, ठीक है। परंतु छोटे बच्चों को कैसे सिखा सकते हैं, वो आपको इस वीडियो के अंदर समझना है। तो छोटे बच्चों को सिखाने का तरीका जो परंपरागत है, वही सबसे बेस्ट है। इसमें क्या है, देखिए 5 है तो आपको 5 डंडे बनाने का बोलना है बच्चे को, यानी 5 लाइन खींचो तो सीधा खींच लेगा आराम से, 1, 2, 3, 4 और 5। 5 है, 5 लाइन खींच ली। उसके बाद में बोलना कि कितने, 4, तो 4 लाइन खींचो, 1, 2, 3, 4। अब बोलना कि इन सभी लाइनों को काउंट करो, सबको जोड़ो, तो यहाँ पे सबको जोड़ेगा 1, 2, 3, 4, 5 6, 7, 8 और 9। कुल लाइन कितनी हो गई, कुल डंडे कितने हो गए, तो वो सीधा लिख लेगा यहाँ पे कितने, 9। यानी बहुत ही इजी तरीका है। अगर इस तरीके से आप सिखाएंगे, जोड़ जल्दी सीख लेगा बच्चा। चलिए इसको करते हैं, 3, 2, 6 और 7 इसको जोड़ना है। तो आपको बोलना कि ये जो संख्या है वो 2 है, तो 2 लाइन खींचो, 1 और ये 2। ये कितनी संख्या है, 7, तो 7 लाइन खींचो, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। इन सबको काउंट करो, कितने लाइन है टोटल, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। तो 9 अंक लिख लेगा नीचे। इसी प्रकार इधर वाली संख्या, वो इधर लाइन बनाने का बोल रहा है, तो 3 है, तो 3 लाइन खींचो, 1, 2 और 3। ये कितने हैं, 6, तो 6 लाइन खींचो, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब सबको जोड़ो, कितनी लाइन है टोटल, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। तो ये आ जाएगा 9। तो इस ढंग से अगर जोड़ सिखाएंगे तो बच्चा जल्दी सीख लेगा।